अच्छा करोगे, समझदार है, समझ गया होगा कि इस घर में तो ना अंडा है ना आटा, तो पराठा कैसे खाएगा? तो ये बता कि ये तेरे पास कहाँ से आए? वो अब्दुल्ला साहब के हैं, थोड़ी देर को पहनने के लिए मांगे थे, वापस कर देती। अरे नहीं नहीं, पहन के रखो, वापसी में लेनी है। चम्मा चलता हूँ, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो ये बता, तो दो मिनट के लिए अपना मुंह बंद नहीं कर सकती? अब मैंने क्या किया है? एक एक चीज का पैसा दे रहा है वो, लेकिन तेरी टर्टर बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। पैसे, तभी मैं सोचूं तुम और अब्बा उसके कदमों में क्यों बैठे हुए हो। वैसे पैसे तो उसके पास बहुत है, काश उसका सारा पैसा हम लोग ले सकते। अपना मुंह बंद करो और ये झुमके उतार के रखो जाके, सारा पैसा दे सक। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अब्दुल्ला। जी हाँ, मैंने आपसे वादा किया था जैसे मैं आपके साथ कुछ पल शेयर करना चाहूंगा, और आई थिंक वो पल आ गए हैं नजदीक, इसलिए मैं आपको बताऊंगा अब्दुल्ला की कहानी। जब तक के लिए साइनिंग आउट। अम्मा, हम कब तक गरीब रहेंगे? हम तो पैदा ही गरीब हुए थे, तू अपना सोच ले। लेकिन अम्मा, मुझे तो अमीर होना है। अच्छा, तो कर ले सिर से शादी, हो जाएगी अमीर। तौबा करो अम्मा, ना मुंह में दांत ना पेट में आग, आया बड़ा शादी करने वाला। अरे अल्लाह की बंदी, सारा दिन तेरी सुनती रहती, कहो क्या कहना है? मैं तो कहती हूँ हम अब्दुल्ला के पैसे चोरी कर लेते हैं, बहुत पैसा है उसके पास, मैंने उसकी टैची में देखा था। तेरा कख न रहे निमो, तुझे क्या जरूरत है उसके कपड़ों की तलाशी लेने की? उस बच्चे को पता चल गया तो क्या सोचेगा हमारे बारे में? अम्मा, एक तो तू अपनी ना नौटंकी खत्म कर। कसम से अम्मा, ये 500,000 का छोड़, नोटों की गड्डियों का सोच। मैंने ना जब ये बालियां देखी थी ना, तो इतने नोटों की गड्डी देखी थी उसके बैग में। अम्मा, पल में अमीर हो जाएंगे और सोच कर्जा भी उतर जाएगा सारा। अच्छा, और अगर पुलिस को पता चल गया तो फिर सारी जिंदगी वहां बैठ के ना चक्की पीसते रहना, पैसा उतर जाएगा। तमाम कह देंगे कि हमें क्या पता तुम्हारे पैसे कहाँ हैं, और वैसे भी मान जाएगा वो, बड़ा शरीफ लड़का है। तुझे पता है अभी तक उसने मुझ पे बुरी नजर नहीं डाली, वरना तुझे तो पता ही है। पता नहीं क्या ऑन फॉल बकरी है, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रही। अम्मा, तुम बच्ची तो है नहीं जो तुझे समझ नहीं आ रही। यानी कैसे रहती है अंधेरों में, मेरा तो नहीं गुजारा मुझे तो। ये लाइट कहां से आ गई? लगता है अब्बा के पास पैसा आ गया। चलो पंखा चला जल्दी से। बाबा, नजर सवाल इसलिए बेटा। बाबा, दो दिन और एक रात हो गई, कब से आप मेरी मेहमान नवाजी कर रहे हैं, इतना फर्ज भी नहीं बनता फिर। छोटी हड्डी खाने वाला मजदूर किसी और की मेहमान नवाजी कैसे कर सकता है? आपने मेरे लिए अपना मुर्गा कुर्बान कर दिया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती? शर्मिंदा नहीं करो बेटा। अब बाबा, एक बात पूछो आपसे। पूछो। सुबह में जो आदमी आया था उसकी बातें सुनी मैंने, मैं आपकी भी मदद कर सकता हूँ? छोड़ो बेटा, खैर। अरे क्यों छोड़ो, आपका अपना बेटा होता तो क्या आप उसकी मदद नहीं लेता? मेरे गुनाह ज्यादा है या तेरी रहमत करीम तू। मेरा बेटा था, पता नहीं होगा, पता नहीं है, करके हिसाब कहाँ नहीं ढूंढा उसे मैंने। मामूली सी बात पे घर से नाराज होकर चला गया।
तलाश के चक्कर में मैं घर से लापरवाह हो गया और कौन कर्जा बढ़ता गया। खैर मैं अल्लाह की रजा में राज हूं। याद नहीं आता ये भी पूछने वाली बात है भला। अब आ जाओ अंदर बैठ के बातें करते हैं। आ जाओ बेटा आ जाओ। पिचरी ये कैसे आ गई? ये बिल मैंने पे किया आपको बगैर बताया। उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगा हो। शुक्रिया बेटा अपने मुंह भी सुकून से रह पाएगी। रोज शिकायत करती है मच्छरों की। अच्छा अच्छा ये बताओ कहां तक पढ़े बेटा? जी मैं